नमस्ते दोस्तों, इग्जिमा ये टर्म तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आके मुझे पूछते हैं, सर मुझे एग्जिमा तो नहीं है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि एग्जिमा बोल के कोई बीमारी नहीं होता है। जैसे बुखार बोल के कोई बीमारी नहीं है, बुखार किसी ना किसी बीमारी का सिम्टम है। जैसे मलेरिया में भी बुखार हो सकता है, डेंगू में भी बुखार हो सकता है, वैसे ही एग्जिमा किसी ना किसी बीमारी की वजह से होता है, जो कि बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स का एक मिक्सचर है। वैसे ही एक बीमारी के बारे में आज बात करेंगे, जिसका नाम है न्यूमुलर डर्माटाइटिस। इस बीमारी में क्या होता है, स्किन के किसी एरिया में एक कॉइन शेप का यानी गोल आकार का घाव बन जाता है। शुरुआत में कुछ छोटे छोटे दाने या पानी भरे हुए दाने एक साथ दिखाई दे सकते हैं, जो बहुत जल्दी एक साथ मिलके एक राउंड शेप का यानी गोल आकार का घाव बन जाता है। उस घाव के ऊपर भी छोटे छोटे पानी भरे हुए दाने दिखाई दे सकते हैं और उस घाव से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है यानी गाढ़े पानी की तरह निकलता है, जो बाद में सूख के घाव के ऊपर क्रस्ट की तरह जमा हो सकता है। और इस घाव में बहुत ज्यादा इचिंग भी होता है। फिर एक स्टेज में ये घाव धीरे धीरे सूखने लगता है और सूखने के बाद इस घाव के ऊपर स्केलिंग या पपड़ी की तरह दिख सकता है। जब ये घाव सूखने लगता है, तब इसका सेंट्रल जो एरिया है वो धीरे धीरे क्लियर होता है और वो जो घाव है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलने लगता है, जिससे एक एन्यूलर शेप का घाव तैयार होता है। फिर एक स्टेज के बाद ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है और कुछ दिनों तक ये ठीक रहता है, वो कुछ महीनों हो सकता है, कुछ हफ्तों हो सकता है या कुछ साल हो सकता है। उसके बाद फिर से ये एक्टिव हो जाता है और ये साइकिल बार बार चलता ही रहता है। इसको छोड़ के न्यूमुलर डर्माटाइटिस का एक ड्राई वेरिएंट भी होता है, जिसमें फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं होता है, घाव कंपैरेटिवली ज्यादा सूखा रहता है और उसमें इचिंग भी कंपैरेटिवली कम होता है। ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिलके इस बीमारी को तैयार करते हैं, जिसमें स्किन का ड्राई होना सबसे इंपॉर्टेंट है। स्किन ड्राई होने की वजह से क्या होता है, उसका जो बैरियर फंक्शन है वो खराब हो जाता है, यानी हमारे स्किन बाहर के जो एलर्जिक चीजें हैं उनसे हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, उसको बैरियर फंक्शन बोलते हैं। वो फंक्शन अगर खराब हो जाए तो बाहर के ऐसा कोई चीज जिससे हमें एलर्जी हो सकता है, वो चीज के कॉन्टेक्ट में आने से एलर्जी के वजह से ऐसे घाव हो सकते हैं। और इस बीमारी के पीछे जेनेटिक फैक्टर्स भी शामिल है। इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका आकार या शेप, जो कि गोल होता है, राउंड शेप का होता है, सेंट्रल क्लियरिंग हो सकता है, बाहर की तरफ ये फैलता है, तो दिखने में कुछ हद तक ये दाद या दिनाई की तरह लग सकता है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट्स इसको दाद या दिनाई समझ के बहुत दिनों तक कुछ ना कुछ एंटीफंगल ट्रीटमेंट इसके ऊपर करते रहते हैं खुद से, जिससे ये बीमारी ठीक तो नहीं होता है बल्कि और खराब हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ बीमारी आपको होता है तो जितना जल्दी हो सके एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। हम तो बहुत इजीली इसको दाद या दिनाई से अलग कर पाते हैं, लेकिन अगर किसी केस में डाउट हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो उसे दूर करने के लिए स्किन स्क्रैपिंग को लेके उसका माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करके फंगल इन्फेक्शन है या नहीं उसको देख सकते हैं। इसको छोड़ के इस बीमारी में और ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए अब जानते हैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बहुत सीवियर इचिंग और स्क्रैचिंग की वजह से इस घाव के ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको ठीक करने के लिए इनिशियल स्टेज में खाने का एंटीबायोटिक दवाई, लगाने का एंटीबायोटिक क्रीम और खुजली को कंट्रोल करने के लिए खाने का दवाई देने का जरूरत पड़ता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाने के बाद उस स्टेज में हम लोग टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। मैं पर्सनली टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम और टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम का एक कॉम्बिनेशन क्रीम इस्तेमाल करना प्रेफर करता हूँ। इसके बाद जब ये बीमारी कंट्रोल में आ जाता है या ठीक हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को ये बीमारी वापस से बार बार ना हो उसको इंश्योर करने के लिए डेली मॉइस्चराइजर का यूज करने के लिए बोला जाता है, ताकि स्किन का जो ड्राइनेस है जिसके वजह से ये बीमारी बार बार होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखें, ऐसे वीडियोस आपके एडुकेशन पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के कभी भी खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करने का कोशिश मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड कीजिए। कोई भी बीमारी आपको होता है तो उसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और खुश रहिए। नमस्ते।